हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर. अगेन आई एम हियर टू टीच यू योर मैथ सब्जेक्ट. इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन योर सिक्स्थ चैप्टर टाइम एंड योर टेबल बुक टेबल फ्रॉम 1 to 4. इन माय दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सिक्स्थ. सो दिस इज पेज नंबर 90. देयर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर टाइम. टाइम मीन्स समय. अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो क्या है, एक टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं. अगर हमें सुबह में उठना होता है, अगर हमें बाथिंग करना होता है तो हम कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं. हमारा जो लंच होता है उसे हम आफ्टरनून में करते हैं. खेलने के लिए हम कब जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं. तो इस तरीके से जो हमारा टाइम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है. इसके अलावा जो भी हमारा काम होता है वो भी हम टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं. तो टाइम से रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी आपकी दी हुई है. इसके पहले जो आपका चैप्टर था सिक्स्थ चैप्टर टाइम, उसमें आपका जो टाइम वाला चैप्टर था उसमें एक स्टोरी दी हुई थी संपदा के बारे में. और उसके बारे में ही उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि संपदा जो है वो मॉर्निंग में क्या करती है और वो जगने के बाद क्या करती है. इट मीन्स कि वो स्कूल जाती है, देन स्कूल ब्रेक में लंच करती है, फिर वो इवनिंग में खेलने के लिए जाती है, फिर वो पढ़ाई करती है और रात में वो सो जाती है. तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे जो संपदा की थी उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. टिक द एक्टिविटीज़ डैट यू डू इन द मॉर्निंग. यहाँ पे आपको उस एक्टिविटी को टिक करना है जो कि आप मॉर्निंग में करते हैं. तो आप मॉर्निंग में क्या क्या करते हैं, तो जब हम जगते हैं तो मॉर्निंग में क्या करते हैं, पहले ब्रशिंग करते हैं, फिर बाथिंग करते हैं, फिर ईटिंग अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर हम रेडी होते हैं और स्कूल के लिए जाते हैं. तो इससे रिलेटेड ही अगर यहाँ पे कुछ होगा तो हम उसे टिक कर लेंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसमें क्या दिखाया गया है, बाथिंग दिखाया गया है. तो हम तो मॉर्निंग में बाथिंग करते ही, इट मीन्स कि हम मॉर्निंग में नहाते हैं, तो हम इसे टिक कर लेंगे. सेकेंड फिगर में आप देख रहे हो कि क्या है, स्टडी दिया हुआ है. तो हम स्टडीज़ होता है वो मॉर्निंग में उठते उठते तो करते नहीं हैं, तो यहाँ पे हम इसे टिक नहीं करेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हो कि सन जो है वो क्या है, मिडिल में है. और जब सन जो होता है वो मिडिल वाले पे होता है, मींस कि जब सामने होता है तो उस टाइम में कौन सा, उस टाइम हमारा आफ्टरनून होता है. तो यहाँ पे ये जो लंच ब्रेक दिया हुआ है ये कब का दिया हुआ है, आफ्टरनून का दिया हुआ है. इसके अलावा आपका जो संपदा का स्टोरी दिया हुआ था, उसकी जो डेली रूटीन दी हुई थी उसमें भी आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि वो क्या करती है, जो लंच ब्रेक होता है उसमें वो लंच करती है, और जो हमारा लंच ब्रेक होता है वो आफ्टरनून वाले टाइम में ही होता है. तो इस वजह से हम सेकंड वाली फिगर को टिक नहीं करेंगे. लास्ट वाला हमारा फिगर क्या है, ब्रशिंग है. तो हम मॉर्निंग में ही ब्रशिंग करते हैं और इसके अलावा हम नाइट में भी ब्रश करते हैं, बट मॉर्निंग में ब्रश हम करते हैं तो इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन, टिक द एक्टिविटीज़ डैट यू डू इन द इवनिंग. यहाँ पे आपको उन एक्टिविटीज़ को टिक करना है जो कि आप इवनिंग में करते हैं. तो हम इवनिंग में क्या क्या करते हैं, तो हम इवनिंग में खेलते हैं, फिर इवनिंग का भोजन करते हैं, फिर हम पढ़ाई करते हैं. तो उससे रिलेटेड अगर यहाँ पे कुछ होगा तो हम उसे टिक करेंगे. फर्स्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि क्या है, बाथिंग है. और हम शाम में तो नहाने का काम नहीं करते, हम नहाने का काम कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं. तो इस वजह से हम फर्स्ट वाले फिगर को नहीं टिक करेंगे. सेकंड वाले फिगर में आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्किपिंग कर रहे हैं. और स्किपिंग भी एक तरीके का क्या होता है, एक प्लेइंग एक्टिविटी है. तो चूँकि हम इवनिंग में खेलते हैं तो इस वजह से हम इसे टिक कर लेंगे. जो हमारा थर्ड फिगर है उसमें आप देख रहे हो कि जो बॉय है, जो लड़का है, वो क्या है, स्कूल से रिटर्न हो रहा है. तो हम इवनिंग में कभी भी स्कूल से रिटर्न नहीं होते हैं. हमारा जो स्कूल आवर होता है वो आफ्टरनून में ख़त्म होता है, इट मीन्स कि 12 to 2 PM. तो हम इसलिए इसे क्या करेंगे, टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये इवनिंग एक्टिविटी नहीं है. लास्ट हमारा है स्लिपिंग. तो हम सोने का भी काम शाम में नहीं करते, क्योंकि सोने का काम इवनिंग में नहीं बल्कि कब होता है, नाइट में होता है. तो इसलिए हम इसमें भी टिक नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारे फूड एक्टिविटीज़ दिए हुए थे उसमें से जो हमारा सेकेंड एक्टिविटी है प्लेइंग, वो काम ही हमारा इवनिंग में होता है, तो इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे. नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, टिक द एक्टिविटी डैट यू डू इन द डे. यहाँ पे आपको उन एक्टिविटी को टिक करना है जो कि आप डे में करते हैं. डे मीन्स हुआ आफ्टर, आप दिन में करते हैं, आफ्टरनून में करते हैं. तो फर्स्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि क्या है, ब्रशिंग है.
अब ब्रशिंग का काम हम आफ्टरनून में नहीं करते, बल्कि ब्रशिंग हम कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट वाले को टेक नहीं करेंगे। सेकंड वाली फिगर में आप देख रहे हो स्कूल से आने का काम हो रहा है, तो स्कूल से हम घर वापस कब आते हैं, आफ्टरनून में ही आते हैं, तो इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे। थर्ड वाली फिगर में क्या हो रहा है, वो लंच ले रही है, तो लंच भी हम कब लेते हैं, आफ्टरनून में ही लेते हैं। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाइट में हम डिनर करते हैं, और वैसे ही हम लंच कब करते हैं, आफ्टरनून में करते हैं, डे में करते हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड वाली फिगर को टिक कर लेंगे, सेकंड एक्टिविटी को। लास्ट हमारी एक्टिविटी क्या है, बाथिंग है, और हम बाथिंग का काम आफ्टरनून में नहीं करते हैं, बल्कि वो मॉर्निंग में करते हैं, तो इस वजह से हम लास्ट वाले एक्टिविटी को टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे फोर एक्टिविटीज़ दी हुई थी, उसमें से जो हमारा सेकंड एक्टिविटी है और जो थर्ड एक्टिविटी है वो आफ्टरनून का एक्टिविटी है, तो हम उसे टिक कर लेंगे। नाउ दिस इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन, टिक द एक्टिविटीज़ डैट यू डू एट नाइट। यहाँ पे आपको उन एक्टिविटी को टिक करना है जिसे हम रात में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाली एक्टिविटी क्या है, स्लिपिंग है, और हम सोने का काम रात में ही करते हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट वाली एक्टिविटी को टिक कर लेंगे। सेकेंड एक्टिविटी है स्टडिंग, तो स्टडिंग का काम भी हम रात में करते हैं। सारे बच्चे जो होते हैं वो 7 to 9 PM क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस वजह से हम सेकेंड वाली एक्टिविटी को भी टिक कर लेंगे। थर्ड एक्टिविटी में भी आप देख रहे हो कि क्या है, स्लिपिंग ही है, सोने का काम ही हो रहा है, तो सोने का काम तो हमारा नाइट में होता है, तो इस वजह से हम थर्ड वाले एक्टिविटी को भी टिक कर लेंगे। जो हमारा फोर्थ एक्टिविटी है उसमें जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो क्या हो रहा है, घर वापस आ रहा है स्कूल से, और स्कूल से आने का काम हम नाइट में नहीं बल्कि आफ्टरनून में करते हैं, तो इस वजह से हम लास्ट वाली एक्टिविटी को टिक नहीं करेंगे, और ये जो हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक्टिविटी है उसे हम टिक कर लेंगे। नाउ दिस इज पेज नंबर 91, ये पेज नंबर 91 है। नंबर द एक्टिविटीज़ इन सीक्वेंस, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जिसे हमें क्या करना है, सीक्वेंस में करना है। मींस कि जो काम हम पहले करते हैं उसे वन नंबर फर्स्ट नंबर पे अरेंज करेंगे, और जो हम सेकंड में करते हैं या फिर लास्ट में करते हैं उसे हम लास्ट में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये चपाती बनाने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम चपाती बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा व्हीट फ्लोर होता है, जो हमारा गेहूँ का आटा होता है, उसे हम पॉट में किसी बर्तन में निकालते हैं। तो यहाँ पे तो ये लास्ट वाले एक्टिविटी आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो व्हीट फ्लोर है उसको पॉट में निकाला जा रहा है। तो यही हमारा फर्स्ट एक्टिविटी होता है, क्योंकि चपाती बनाने के लिए पहले हमें तो व्हीट फ्लोर ही लेना होता है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है, तो इसे हम वन कर देंगे। सेकंड में हम उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम वाटर डालते हैं ताकि उसे हम अच्छे से डो बना सकें, गूंद सकें, तो ये हमारा सेकंड एक्टिविटी है, तो इसे हम सेकंड नंबर पे डालेंगे, और यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। थर्ड हमारा होता है कि हम व्हीट फ्लोर को और जो हमारा वाटर होता है उन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये फोर्थ नंबर वाला फिगर है उसमें वही हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसे थर्ड नंबर पे डालेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चपाती बेलते हैं, बनाते हैं, तो ये जो हमारा सेकेंड एक्टिविटी है उसमें वही दिखा रहा है, तो हम इसे फोर्थ नंबर पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम गैस को ऑन करते हैं, तो इसे हम फिफ्थ नंबर पे मैच करेंगे। लेकिन जो हमारा फिफ्थ नंबर का एक्टिविटी है और जो हमारे फोर्थ नंबर का एक्टिविटी है वो हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले गैस को ऑन करते हैं और फिर चपाती बनाते हैं, तो यहाँ पे आप इस इन दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लास्ट में हमारा जो एक्टिविटी होता है वो क्या होगा, ईटिंग द फूड। लास्ट में जब भी चपाती बन जाएगा तभी हम उसे खा सकते हैं, तो ये जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी था ईटिंग द फूड, उसे हम सीक्वेंस में लास्ट में रखेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज पेज नंबर 92 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर, टिक द एक्टिविटी डैट विल टेक लॉन्गर। यहाँ पे आपको उस एक्टिविटी को टिक करना है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता हो, जो ज़्यादा टाइम तक चलेगा हमें उसे ही टिक करना है। तो फर्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे हो कि क्या है, एक बकेट को टैप के वाटर से फिल किया जा रहा है, और सेकंड वाले में एक टैंक को फिल किया जा रहा है। तो जो हमारा बकेट होगा उसको फिल करने में कम टाइम लगेगा, और जो हमारा टैंक होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चूंकि हमारे टैंक को फिल करने में लॉन्गर टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम टैंक वाले को टिक कर लेंगे।
सेकंड फिगर में आप देख रहे हो कि एक बच्चा जो है वो वॉक करते हुए जा रहा है और दूसरा बच्चा जो है वो साइकिलिंग करते हुए जा रहा है। तो हमें वॉक करने में, अगर हम कहीं पे भी वॉक करके जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है इंस्टीड ऑफ अगर हम किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो अगर हम व्हीकल का, किसी भी व्हीकल का यूज़ करते हैं, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, तो उससे हम पहले पहुंच जाएंगे, ज़्यादा जल्दी कहीं जाना हो तो हम जा सकते हैं। तो चूंकि हमें वॉक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए हम वॉक वाले पे टिक कर लेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।